नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे रिफैक्सिजिल एम। साथियों, रिफैक्सिजिल एम टैबलेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे रिफैक्सिजिल एम टैबलेट है क्या, कहने का मतलब है। डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क रिफैक्सिजिल एम टैबलेट इन द बॉडी, कहने का मतलब है मैकेनिज्म एक्शन की बात करेंगे, कंट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशन, वार्निंग, एमआरपी की बात करेंगे। रिफैक्सिजिल एम टैबलेट इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसन है साथियों दैट इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस डायरिया। कहने का मतलब है डायरिया किसी तरह की है उसमें इस्तेमाल करने वाली दवा है ये, और इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट द इन्फेक्शन। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डायरिया होती है उसकी ग्रोथ को ये जो है रोक देती है, और उससे क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीज जो है डायरिया है, बीमारी है, वो जो है ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब है रिफैक्सिजिल एक ब्रांड है जो है मेडिले फार्मा का, और इसके अंदर दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है रिफैक्सिमिन 200 mg। साथियों, रिफैक्सिमिन ये भी एक एंटीबायोटिक है जो कि ट्रेवल डायरिया में इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। साथ ही साथ इसमें मेट्रोनाइडाजोल 400 mg मिला है एंड रिफैक्सिमिन जो है 200 mg मिला है। जो कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है, दोनों के कंपोजिशन से बना है रिफैक्सिजिल एम। रिफैक्सिजिल एम मेडिले फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है साथियों, सभी एलोपैथिक केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। साथियों, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो टू ट्रीट इन्फेक्शियस डायरिया, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में बताया। और साथियों, डायरिया क्या है कि एक कंडीशन है विच यू फ्रिक्वेंटली पास, कहने का मतलब फ्रिक्वेंटली पास एंड लूज एंड वाटरी स्टूल, पानी की तरह लैट्रीन होने लगती है, बार बार जो है जाना पड़ता है, तो ऐसे केस को डायरिया कहते हैं। साथियों, रिफैक्सिजिल एम टैबलेट क्या करती है, रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ लूज मोशन, जो बार बार जाना पड़ता है उसको तुरंत ये रोक देती है और उससे डायरिया ठीक हो जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। साथियों, यूजेस बेनिफिट, जैसा कि अभी बताया है कि डायरिया और ट्रेवल डायरिया में इस्तेमाल होने वाली ये दवा है। साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको खाने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट जैसे नोजिया, वोमिटिंग और स्टमक में पेन होने लगता है, और इसको खाने के बाद क्या होता है कि डायरिया तो ठीक हो जाती है, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन के चांस होने लगते हैं। ये क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, ड्राउनेस ऑफ माउथ हो जाते हैं, फ्लेचुलेंस, गैस बनने लगती है और गैस के गुब्बारे टाइप के बनने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है, तो इस तरह के कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं। साथियों, रिफैक्सिजिल एम टैबलेट कैसे वर्क करती है बॉडी में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिफैक्सिजिल एम टैबलेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू टैबलेट है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, रिफैक्सिमिन जो है 200 mg एंड मेट्रोनाइडाजोल 400 mg मिला है, जिसका काम है विच ट्रीट इन्फेक्शियस डायरिया। और ये दीज एंटीबायोटिक, दोनों एंटीबायोटिक हैं, दीज एंटीबायोटिक वर्क इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके वर्क करते हैं, दैट किलिंग द बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, कहने का मतलब बैक्टीरिया की वजह से या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है और लूज मोशन होने लगे, डायरिया हो गए, तो उसको तुरंत जो है प्रिवेंट करता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है और उससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। दिस ट्रीट्स यू इन्फेक्शन एंड रिलीज सिम्टम्स, और उससे क्या होता है रिलीफ सिम्टम्स, और उस इन्फेक्शन को ठीक करता है और जो है डायरिया भी ठीक हो जाता है जो है, तो इस तरह से वर्क करता है। कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे साथियों, तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर आपने कभी भी रिफैक्सिमिन या फिर मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट या उसके कॉम्बिनेशन को खाया है और उससे आप एलर्जिक हैं तो इसका उपयोग ना करें। तो इफ़ यू आर एलर्जिक टू मेट्रोनाइडाजोल एंड रिफैक्सिमिन या अदर कंपोनेंट ऑफ रिफैक्सिजिल एम तो इसको सेवन ना करें। साथियों, ये कंट्राइंडिकेशन है। प्रिकॉशन वार्निंग की बात करेंगे तो वो महिलाएं जो पेट में बच्चा है, कहने का मतलब प्रेगनेंसी है, या बच्चे को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो वो इसका सेवन नहीं करेंगी क्योंकि बच्चे को मिल्क के जरिए नुकसान कर सकता है। अगर इसको ड्राइविंग करने जा रहे हैं या हैवी मशीनरी पर काम करने जा रहे हैं तो रिफैक्सिजिल एम टैबलेट का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे जो है सेडेशन आने के चांस होते हैं और झपकी लग सकती है।
और एल्कोहल अगर आपने पिया है तो इसका सेवन ना करें, ड्रिंक के साथ इसका सेवन नहीं करना है। साथियों 10 टैबलेट की स्ट्रिप है साथियों, मेडिले फार्मा की 214 रुपये MRP है। डायरिया के लिए जो है ट्रेवल डायरिया या फिर जो है इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है जो है। तो साथियों इसी के साथ विराम देते हैं, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों नमस्कार।